हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है 31 दिसंबर का दिन और शाम का समय है। मैं तैयारी कर रही हूँ केक बनाने की। आदि और प्रिया बोल रहे थे कि मम्मा लेयर वाला केक बनाना आप घर पर, तो उसी के लिए मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप दूध और 1 कप शक्कर ली है और ये 3 बड़े चम्मच ऑयल है, ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और ये 1 कप मैदा। क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं इसमें 1/2 कप मैदा और लूँगी और 1/2 कप दूध भी और लूँगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले दूध ले लेती हूँ 1.5 कप और उसके अंदर फिर मैं शुगर डालूँगी। शुगर आप अपने टेस्ट पर, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप जैसा चाहें वैसा डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 1.5 कप मैदा के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप शुगर ली थी। अब मैं डाल दूंगी 3 बड़े चम्मच ऑयल। इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस शुगर मेल्ट हो जाए इतना ही हम इसको विस्क करेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। पहले 1 कप मैदा, 1/2 कप और फिर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और बस इन्हें अच्छे से छान लेना है। पिया को बहुत शौक है मेरे साथ लगे रहने का और ये सब करने का। घर में कोई भी काम होता है तो पिया बहुत हेल्प करती है और कोशिश करती है कि वो मेरे संग बराबर लगी रहे। तो कुछ काम मैं करवा लेती हूँ उससे, मतलब अपने साथ साथ लगा लेती हूँ, वरना काम करने लायक तो अभी वो है भी नहीं। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखो मैडम फिर आ गई हैं कि मम्मा मैं करूंगी। हाँ हाँ, जो काम पिया करे उसमें आदि कैसे पीछे रह जाएगा। दो चम्मच दूध लेकर उसमें मैं घोल रही हूँ कोको पाउडर और इस कोको पाउडर के अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मिक्सचर तैयार किया हुआ केक का मिक्सचर, क्योंकि मैं ये डबल लेयर का बनाने वाली हूँ तो इसलिए। एक्चुअली डबल नहीं आएंगी, उसमें कई सारी लेयर आएंगी, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक भगोने के अंदर या कोई भी केक मोल्ड मैं यहाँ पर अपनी नहीं लेके आई हूँ, वो सारे मेरे अभी पुराने घर में पड़े हुए हैं और मेरा बेटर भी अभी वहीं पर है पुराने घर में, मैं नहीं लेकर आई थी, इसलिए मैं ये भगोने का यूज़ कर रही हूँ केक बनाने के लिए। पहले मैंने थोड़ा सा वाइट डाल दिया है, अब मैं थोड़ा सा मिक्सचर चॉकलेट वाला डालूंगी और इसी तरह से 1 by 1 मैं ये दोनों जब तक ख़त्म नहीं हो जाते तब तक मैं ये प्रोसेस रिपीट करती रहूँगी। और ये मिक्स नहीं होता है, ये इसकी लेयर ऐसी की ऐसी ही रहती है और बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने पूरा मिक्सचर डाल दिया है। अब एक टूथपिक की हेल्प से हम इस तरह से इसमें लाइंस बनाएंगे। ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये कढ़ाई मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दी थी, जिसको रखे हुए 5-7 मिनट हो गए हैं। अब मेरे पास यहाँ स्टैंड भी नहीं है, वो भी मेरे पुराने घर में छूटा हुआ है, तो मैंने एक चलनी रख दी है उसके नीचे और उसके ऊपर केक रख दिया। मैंने बेक होने के लिए रख लिया है।
ये स्लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट तक बेक होगा और उसके बाद में हमारा केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको बेक होने देते हैं और तब तक मैं हो जाती हूँ न्यू ईयर के लिए रेडी। एक बार चेक कर लेते हैं। ये अभी बीच से नहीं हुआ है, ये देखो फॉक से थोड़ा सा चिपका हुआ निकला है, इसलिए इसको 10 मिनट के लिए और रखेंगे। और ये 10 मिनट बाद मैं फिर से चेक करती हूँ, ये देखो मेरा फॉक बिल्कुल क्लीन निकला है और ये केक बिल्कुल रेडी है। फ्लेम कर देंगे बंद बिल्कुल और मैं भी हो गई हूँ रेडी। चलिए इसको डीमोल्ड करते हैं, इसके किनारे छुड़ा लेती हूँ पहले। बटर पेपर लगाने से ये नीचे से एकदम से निकल आता है। अब निकालते हैं इसका बटर पेपर, देखते हैं कैसा बेक हुआ है। इसको टोटल 35 मिनट लगे हैं बेक होने के लिए एकदम स्लो फ्लेम पर। काट कर देखते हैं इसकी लेयर्स अंदर से आई हैं या नहीं आई हैं। वैसे ऊपर से भी इसकी लेयर्स नजर आती हैं, ये देखो ये काफी अच्छा बना है। और यहाँ बच्चों की पार्टी शुरू हो गई है। सब लोगों ने हैंड टू हैंड खा लिया था केक और काफी अच्छा बना था। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे साले की शक्ल मेरे दिल में बस गई है, उसके तो